नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज बहुत कड़वी और गहरी चर्चा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कमेंट्स पे, मेरे इंस्टाग्राम के DM पे जो आप मैसेजेस पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी विधाओं का मैं खुद काइंड ऑफ मास्टर हूँ, गुरु हूँ जो मैं सिखाता हूँ, और बहुत सारी विधाओं को मैं नहीं सिखाता। आपका एक बहुत गहरा सवाल ये है कि अभी इस समय में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट, बहुत सारे गुरु मार्केट में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन इंटरनेट में उपलब्ध हैं, तो किस पे भरोसा करें और किस पे भरोसा ना करें? बहुत से अच्छा सवाल है, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ रही है। जो खुद भी किसी विधा के मास्टर हैं, उन्हें किसी और मास्टर की ज़रूरत पड़ रही है। तो आज कुछ गहरी बातों को हम समझेंगे, जिससे आपको एक गहरे लेवल पे एक समझ प्राप्त होगी कि कौन फेक है और कौन सही है, इसका आभास आप लगा पाएंगे। एक्यूरेशन नहीं है इसमें भी, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो अपने इतने सालों के अनुभवों में, इतने सारे गुरुओं के साथ रहने के बाद, इतने सारे क्लाइंट्स और लोगों को कंसल्ट करने के बाद जो समझ में आती है बात। तो ये वीडियो आम लोगों के लिए भी है और हमारे जैसे हीलर्स लोगों की भी है, जो किसी न किसी विद्या पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो कुछ तरीके मैं आपको आज समझाऊंगा, जिन्हें समझ कर आप ये जज कर पाएंगे कि किस पर भरोसा करें, किसे भरोसा ना करे, कौन फेक है और कौन अपने जीवन में काम किया हुआ है। देखो, जो आज आपको फेक लग रहा है, वो भी अगर काम करता रहे तो आने वाले समय में वो भी ऑथेंटिक हीलर बन जाएगा। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन पे भरोसा करना उचित नहीं है और किस पे भरोसा किया जा सकता है। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आप जब किसी को देखते हैं ऑनलाइन वीडियोस में देखते हैं, तो आप सबसे पहले सारे चश्मों को उतार दीजिए अपने, जिन जिन चीज़ों से भी आप आकर्षित होते हैं उन सारे चश्मों को उतार दीजिए। अब बिना आकर्षित हुए, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोग्राफी से, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के एडिटिंग से, बहुत सारे ताम झाम ये हाथों में पहन के, एकदम वस्त्र पहन के, गेटअप लगा के, ऐसे चंदन लगा के, सोने के मोटे मोटे माला पहन के, काजल लगा के, लिपस्टिक लगा करके, बहुत सुंदर विग लगा करके, ऐसे सिंदूर लगा करके, ऐसे अंगूठियां पहन के, बड़े बड़े नाखून निकाल के, हम आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा हम आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और आपको कर रहा है। मैं यहाँ पे अच्छा, बुरा, सही, गलत सब अपने आप को ही बोल रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों आप मुझ पर भरोसा मत करो, या मुझ जैसों पर भरोसा मत करो, क्यों आप मुझ पर भरोसा करो। तो बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको मैनिपुलेट करता हूँ अपने अतरंगी अंदाज से, अपने पहनावे से, अपने ओढ़ावे से, अपने एकदम दिखावे से, समझ जाना मैं फेक हूँ, मैं गलत हूँ, मैं झूठ हूँ, मैं झूठ बेच रहा हूँ। मुझे सच बेचने के लिए, सच बताने के लिए, सच देने के लिए आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सहज रूप से अगर कोई बात आपको कहता हूँ और आपके वो काम की है, तो वो आप तक पहुँचेगी, वो आपके काम आएगी। उसके लिए बहुत आडंबर करने की, ऐसा लिपस्टिक लगाने की, यहाँ औरत मर्द सब वही काम कर रहे हैं, मैं ये सब बोल के ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये औरतें ये कर रही हैं, महिलाएं ये कर रही, नहीं, आदमी लोग भी यही कर रहे हैं, गंदा पूरा लिपस्टिक लगा के, काजल लगा के, विग लगा करके, बहुत सारे ब्रेसलेट, बहुत सारे क्रिस्टल, बहुत सारे माला, रुद्राक्ष, अंगूठी, नाखून, ये सब कर रहे हैं। तो गलत है बिल्कुल। अगर मैं किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पीछे हट जाओ,
क्योंकि अगर आपका मन खुद ही मान रहा है मेरी बातों को, खुद ही सुनना चाह रहा है, मतलब ये सही जानता है, ये जान रहा है क्या करना है। उसके बाद अगर आप धोखा खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझ के आडंबरों को देख करने के बाद भी नहीं समझ में आया, और बाद में रियलाइज़ हो रहा कि मेरे को लगता था कि फ्रॉड है, मेरे को लगता था कि गलत है। देखो ये सारी बातें मैं आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़ में हम जैसे लोगों की बहुत बदनामी हुई है अभी हाल फिलहाल में, कि रिलेशनशिप हीलिंग के नाम पे 40 लाख का फ्रॉड, कुंडली कुंडलिनी मिलाने के लिए ये यज्ञ या ये हवन करवाने के लिए 50 लाख का फ्रॉड, मतलब लाखों में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, कितने न्यूज़पेपर की कटिंग्स पड़े हुए हैं आप देखिए, का ये बच्चे लोग डालेंगे इसमें, तो वो सब देख के ना बड़ा बुरा सा लगता है ना। ठीक है, दूसरा जो जिस वजह से आप धोखा खा सकते हैं, कि जब आप किसी से फ़ोन में बात करते हैं, ऑनलाइन कंसर ऑनलाइन हम जैसे हीलर्स से कांटेक्ट करते हैं, बहुत महंगी महंगी बातें, बहुत महंगा महंगा चीज़, जेन्युइन अपना कंसल्टेंसी फीस अगर कोई लेता है तो वो उसका हक है, वो उसका अधिकार है, वो अपने समय का चार्ज करेगा। कोई आपको अपना समय क्यों दे, मैं आपको अपना समय क्यों दूँ। एक जेन्युइन एक कीमत होती है, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो तो सभी लेंगे। लेकिन जब आपसे कोई पैसों की ही बात कर रहा है, सिर्फ पैसों की ही बात कर रहा है, हम जैसे लोग अपने नीचे मैनेजर्स रखते हैं, मेरे भी हैं, मैं भी रखता हूँ, 12-13 लोगों की रोजी रोटी मेरे से जुड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ पैसों से ही बात हो रही है, आप ये करवा लीजिए, इतने पैसे दे करके वो करा लीजिए, ये पैसे दे करके ये खरीद लीजिए, आप हीलिंग क्यों कर रहे हैं, ये कोर्स ही कर लीजिए, आप इस पे क्यों फंसे हुए हैं, आप वो कर लीजिए, मत करना, समझ जाना गलत है यहाँ पे, ये झूठ है। अगर आपको किसी ब्रांड फेस को देख करके आप किसी से बात करते हैं और वो आपको मैनुपुलेट कर रहा है, सिर्फ पैसों के नाम पे मैनुपुलेट कर रहा है, आपको कुछ भी मिलेगा, ये पैसा दो वो मिलेगा, वो पैसा दो ये मिलेगा, ये कैसा कर दो, ये करवा लो, वो पढ़ो, पैसा, सिर्फ पैसों की ही बात हो रही है, गलत। अगर उनके मैनेजर्स भी आपके फायदे की बात कर रहे हैं, भाई कोई भी काम कर रहा है, मैनेजर भी काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी है, मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ, हमारे खुद के हैं, सबकी सैलरी जुड़ी हुई है, सबका रोजी रोटी है, मानता हूँ, लेकिन कोई सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहा है तो गलत जा रहा है। आपको बस ये देखना है, क्या वो आपके फायदे के लिए सोच रहा है, वो आपके फायदे के लिए बात कर रहा है, क्या वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको कैसे कैसे बेनिफिट होगा, कैसे कैसे आप ठीक हो पाएंगे, कैसे कैसे आप अपने रिश्तों को वापस पा पाएंगे, कैसे कैसे आप अपनी तबीयत को ठीक कर पाएंगे। वो अगर आपको समझा रहा है और उसके बाद जब आप चाहते हैं उस चीज़ को करना, तब आपको वो कीमत बता रहा है, पैसे बता रहा है, जब आप मांग रहे हैं कोई चीज़ को, तो एक हद तक ये सही दिशा है, बहुत सही दिशा है। एक्यूरेसी की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ आज की वीडियो पर, मैंने पहले ही कहा है, बस मैंने कहा है कि एक तरह से ये सही दिशा है। तीसरा, कोई भी गुरु, कोई भी हीलर की वीडियोस को आप देखते हैं, प्रभावित होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही लाइन में कहा कि उनकी सहजता को देखिए, उनके आडंबरों को मत देखिए, उनके पाखंड को मत देखिए, उन कितने सहजता से वो अपनी बातों को आपको बता रहे हैं, उन्हें देखिए, है ना। तो जब आप देखते हैं तो उनके अपने नंबर्स उनके वीडियोस पे होते हैं, उनके ऑथेंटिक चैनल्स पे होते हैं, उनको देखिए, उस नंबर पे कॉल कीजिए और वहाँ से अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, ना कि इस घटनाक्रम में फंसे कि कोई आपको आगे से कॉल कर रहा है, बता रहा है कि मैं धैर्यवान हीलिंग साइंस से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर धैर्यवान, मैं धैर्यवान धैर्यवान जी के यहाँ से बात कर रहा हूँ, और वो चाहते हैं कि आपका ऐसा ऐसा हो, आपके जीवन में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ये पैसा आपको दोगे, ये हीलिंग करवाओगे, ये यज्ञ हवन पूजन करवाओगे, तो आपके जीवन में वो सब हो जाएगा, तो हमारे इस अकाउंट में आप जमा कर लीजिए। अभी तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं, कुछ लोग मुझे शिकायत की है कि मेरी आवाज़ में किसी ने फ़ोन करके, AI का ज़माना है, मेरी आवाज़ में फ़ोन करके लोगों से पैसे मांगे गए हैं, लोगों ने दिया भी है, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। तो इन चीज़ों से आप बचेंगे, ऑथेंटिक नंबर्स पहले पता करें, उनके कई सारे वीडियोस को देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे ही वीडियो कुछ लोग फेक अकाउंट बना के, एक फेक चैनल बना करके उसमें मेरे वीडियो चलाते हैं, नंबर अपना लगा देते हैं। ध्यान रखो, मैं बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात ना आए कि मैं किसी और को दुष्प्रचारित करने की कोशिश कर रहा हूँ या किसी और पर उंगली उठा रहा हूँ। नहीं, मैं
अच्छा मैं हूँ, बुरा मैं हूँ, खराब मैं हूँ, फेक मैं हूँ, सही मैं हूँ, सहज मैं हूँ, सज्जन मैं हूँ, दुर्जन मैं हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, मेरे जैसों की बात चल रही है तो मैं यहाँ मैं शब्द का ही इस्तेमाल करूँगा। तो मेरे वीडियो को मेरे जैसे लोग किसी और चैनल में चला करके, कोई और अकाउंट नंबर दे करके, कोई और फ़ोन नंबर दे करके आपसे बात करते हैं, धोखा मत खाना। प्रॉपर देखना, चैनल में जाना, स्क्रॉल करना, क्या सारे वीडियोस पे वही नंबर दिख रहे हैं, ये क्या ये नंबर बार बार दिख रहा है, फ़ोन नंबर की बात कर रहा हूँ। तो चैनल में जाके थोड़ा सा आप अपने स्तर पे, मेरे कहने का मतलब, बात करना है कुछ ही करो, क्या पैसे लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक रुपया भी आप कहीं डाल रहे हो बेटा, पता करो कि सही अकाउंट पे जा रहा है, सही नंबर पे फ़ोन लग रहा है, सही लोग बात कर रहे हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा फर्जी लोग, फेक लोग हैं, और इतना बढ़िया बात करेंगे, इतना शानदार बात करेंगे कि कभी कभी लगेगा कि मुझे ये फील होता है, मैंने एक रिकॉर्डिंग सुना कि इतना अच्छा तो मैं बात नहीं कर पाता जितना ये बंदा बात कर रहा है, ये बंदी बात कर रही है लोगों से, मतलब कि वो इतनी मधुरता से, इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं, ये फेक काम मुझे सच में बता रहा हूँ, मैंने जब सुना रिकॉर्डिंग तो मैं लिटरली बोलूँगा कि जब मैं सुना तो मुझे लगा कि ये फेक काम करने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे अंदर तो सरस्वती माता का इतना बड़ा आशीर्वाद है, तुम्हारे गले में सरस्वती वास कर रही है, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी, तुम तो सही काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, तुमको ये चीटिंग करना क्यों है, फेक काम करना क्यों है, ऐसे भाव आए थे मेरे। तो ये तीन चीज़ें मैंने बताई। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी के भी वीडियो को देख कर आप प्रभावित हो रहे हैं, उनसे मैनिपुलेट हो रहे हैं, थोड़े पास हिस्ट्री में जा करके देखो, स्क्रॉल करो वीडियोस को, देखो उनके से बायोग्राफी मत देखो, उनके से ये मत देखो कि वो क्या, वो अपने बारे में क्या बताता है कि प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो, ये वो ऐसा वैसा लिख दिए हैं, और सिर्फ वो क्या लिखे मत देखो, उनके प्रोफाइल में जाके देखो, उनके प्रोफाइल में कहीं ना कहीं हाईलाइट में, या गूगल करके देखो उनको, हाईलाइट में जा करके देखो, इंस्टाग्राम के हाईलाइट में जाके देखो कि उनके क्या क्या किया है, उन्होंने कैसी कैसी पढ़ाई की, कैसी कैसी साधनाएं की हैं, क्या उन्होंने जीवन में अपने अभिमान को, अपने आप को क्या नीचे उतर करके उन्होंने काम किया है। अब जैसा कि मैंने कहा, मैं दूसरों की बुराई नहीं करूँगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या मैंने मेरे प्रोफाइल में जाकर देखो कि क्या मैंने क्या किया है, मैंने कहाँ साधना की है, मैंने कहाँ पढ़ाई की है, मैंने कितने लोगों की मदद की है, मैं कितने सहजता से, सज्जनता से, मेरी साधना क्या मेरे प्रोफाइल में दिख रही है। हाँ, जैसे कि बहुत लोग जो मुझे फॉलो करते हैं जानते हैं कि इसी ही साल में, इस साल के अंदर में ही 2023 के आखिर में मैंने मुंडन कराया था, और अभी 6 महीने मेरे बाल बड़े ही हुए थे कि फिर किसी साधना के लिए फिर से मेरे सिर का मुंडन हुआ। तो समझ रहे हैं कि इतने सुंदर बाल होने के बाद अगर मैं मुंडन करा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी साधना के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी विद्या के लिए ये कर रहा हूँ। तो ये मेरे कर्म को दिखाता है, ये मेरे ऑथेंटिकनेस को दिखाता है। और यहीं पे मैं बहुत ज़्यादा सच सवर के, मैं भी कई बार बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहनता हूँ, माला पहनता हूँ, जब मैं उन चीज़ों के बारे में बता रहा होता हूँ। तो अगर इन सब चीज़ों को देख कर आप मेरे पाखंड को देख के, मेरे साडंबर को देख के, मेरे पहनावे को देख के मुझसे आकर्षित हो रहे हो, गलत है। हर इंसान अपने जीवन में सहज है। अगर मैं बहुत शानदार ऐसे कपड़े पहन के आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने आम जीवन में, मैं भी हॉफ पैंट, पजामा, जीन्स, कुर्ते, कपड़े, टी शर्ट सब पहन रहा हूँ। अगर आप मेरे दूसरे चैनल में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ मैं कोट पैंट भी पहनता हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। मैं सिर्फ इस चैनल में सिर्फ इस रंग के कपड़े पहनता हूँ ताकि इसकी मर्यादा के लिए ये ऐसे कपड़े ज़्यादा अच्छे होते है ना। तो प्रोफाइल्स को थोड़ा स्टडी करो, देखो, सिर्फ वीडियोस देख करके, यूट्यूब वीडियोस देख करके, इंस्टाग्राम के वीडियोस देखकर प्रभावित होकर एकदम से बहनाओं में मत बहो, सही नंबर पे जाओ, सही नंबर पे करो, और कोई भी पैसा देने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लो कि सही अकाउंट में जा रहा है, सही इंसान के पास जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है या नहीं, है ना। और बस बाकी तो आप समझदार हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था बेटा जी, कि दुख होता है जब आपके नाम पर लोग किसी को भी विश्वास करके, किसी पर भी विश्वास करके उनको अपनी गाढ़ी कमाई दे देते हैं, और आखिर में उनका नुकसान हो जाता है,
और आप ये सोच करके अपने मन को मार लेते हैं कि कोई बात नहीं, जिन्हें हम मानते थे उनके नाम से गया, कहीं भी गया अच्छा गया होगा, जिनके भी पास गया उनके काम ही आएगा। आप तुम अपना मन मार लेते हैं, लेकिन जब हम तक ये बात पहुंचती है बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है ना। एक और चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि हम जैसे लोगों की वीडियोस को आप देखते हैं तो उनके कमेंट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना नाम लिख करके, मेरा नाम लिख करके अपना नंबर डाल देते हैं कि आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट्स को भी देखिए कि कौन से अकाउंट से कमेंट आ रहा है। मेरे वीडियोज़ पर मेरे ही अकाउंट से कमेंट आएगा ना। कमेंट में भी अगर कोई आपको अगर दिखा रहा है, बता रहा है, नंबर दे रहा है, तो मेरे अकाउंट की वीडियो पे मेरे अकाउंट से ही कमेंट आएगा, ना कि कोई और कमेंट करेगा। तो उसको भी आप ध्यान दो। हर किसी भी हीलर पे आप भरोसा करते हैं, किसी भी विधा के मास्टर पे आप भरोसा करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से, या ये बोल सकते हैं 60% बेवकूफ़ों की वजह से, गधे लोगों की वजह से जो गंदगी कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य ही पैसा कमाना है, पैसा लूटना है, पैसा छीनना है, उसमें आप धोखा खाते हैं। क्योंकि जो नकल होती है ना, वो असल से ज़्यादा सुंदर दिखती है। ध्यान रखना, नकल असल से ज़्यादा सुंदर दिखेगी। नकली नोट ज़्यादा चलते हैं असली नोट से। कभी सोचा है आपके पास एक बढ़िया तगड़ा, अच्छा साफ सुथरा बढ़िया नया नोट आ जाए, 200 का, 100 का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, आप उसको संभाल के पर्स में रखते हैं, और एक फटा हुआ नोट या नकली नोट गलती से आपके पास आ जाए, आपको मालूम चल जाए नकली, जितनी जल्दी हो सके आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट? और इस चक्कर में जिसके हाथ में भी नकली नोट आता है वो जितनी जल्दी हो सके उसको बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि उसको फाड़ देता है, नहीं फाड़ता, फाड़ के फेंकता नहीं है, उसको चलाने की कोशिश करता है। और इसी वजह से नकली नोट, घटिया नोट, फटे हुए नोट मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं, और अच्छे नोट छुपे हुए रह जाते हैं, क्योंकि जिसके पास भी अच्छे नोट आते हैं उसको छुपा करके रखता है। तो वैसे ही असली मास्टर्स, असली गुरु, असली साधक कहीं ना कहीं छुपे रह जाते हैं, दबे रह जाते हैं, और नकली लोग जो आडंबर करके, पाखंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको लूटते हैं और आपके साथ फरेब करते हैं। है ना? देखो भाई, हम सारे हीलर्स भी इंसान ही हैं, हमसे भी गलतियाँ होती है, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं अपने जीवन में। मैं भी हर चीज़ को ठीक नहीं कर पाता, हर चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता, हर जगह मैं सिद्ध नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये लगता है कि ये बच्चा, ये भैया, ये अंकल, ये चाचा जी, ये बेटा जी बहुत अच्छा बात करते हैं, इनकी बातें बहुत अंदर तक उतरती है, तो ये सब कुछ ठीक कर देंगे, इस धोखे में भी मत रहना कि ये लड़का, ये धैर्यवान, ये आदमी सब ठीक कर देगा। नहीं, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। और जो भी अपने आप को ये बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये ब्रेसलेट सब ठीक कर देगा, ये रुद्राक्ष एकदम बढ़िया ये कर देगा, ये टी वो कर देगा, वो कर देगा, वो अभी नहीं पहुँचा है वहाँ तक। क्योंकि जो भी जितना आगे बढ़ता है उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो कितना कमज़ोर है, उसके हाथ में कैसे कुछ नहीं है, कैसे वो कहाँ कहाँ कमज़ोर है, कहाँ कहाँ अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब मैं अपनी शुरुआत में था 2020-21 के समय में, जब मैं लोगों को बताना सिखाना शुरू किया था, उस समय ऐसा लगता था कि मैं बहुत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ। आगे बढ़ते 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 अब रियलाइज़ होता है कि अरे बाप रे, कितना कुछ जानना बाकी है, अभी भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और अभी भी लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो इस भाव में अगर आप हैं तो आप एक अच्छे हीलर हैं। ऐसा मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि जब भी आपको ये लगे कि आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ आप नहीं जानते हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं सबको जानता हूँ, मेरे पास आओ, मैं सब कुछ ठीक करके दूंगा, आप बहुत बुरी स्थिति में है अभी। तो ये कुछ हिदायत थी हीलर्स के लिए, बाकी सारी बातें थी आम लोगों के लिए, और ये जो चर्चा थी गहरी थी, है ना। तो और चर्चा करते रहेंगे बेटा जी, और गहरी चीज़ों को समझेंगे। आज के अध्याय में इतना ही, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।